जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा थर्ड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा थर्ड में आज हम प्रश्नावली सात के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। प्रश्नावली सात में हम रुपए पैसे की जोड़ बाकी के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, पहले हम जोड़ का अभ्यास करेंगे और उसके बाद में घटाव का बाकी का अभ्यास करेंगे। तो आइए प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित को जोड़िए। ठीक है, तो पैसों की जोड़ है, कितने पैसे हमारे पास में, 50 पैसे और 25 पैसे। तो पैसे लिख देंगे यहाँ पे हम पहले, ठीक है। फिर शून्य और पाँच कितना होता है, 5। उसके बाद में 5 और 2 कितना हो गया, 7। तो ये हो गया 75 पैसे। ठीक है, तो 50 पैसे और 25 पैसे को जोड़ा तो जोड़ कितनी आई, योग कितना हो गया, 75 पैसे। ऐसे ही 29 रुपये और 80 रुपये को जोड़ना है, तो 29 रुपये और 80 पैसे को हम जोड़ेंगे। पहले तो यहाँ हम लिख देंगे रुपये। ठीक है, अब 29 रुपये और 80 रुपये को जोड़ना है तो 9 और 0 कितना हो गया, 9। ठीक है, 9 में शून्य जोड़ा तो शून्य में कोई भी अंक जोड़ते हैं तो वही अंक रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। उसके बाद में 2 और 8 को जो हमने जोड़ा तो संख्या कितनी आई, 10। तो यहाँ लिख दिया हमने 10। तो 29 और 80 को जब हमने जोड़ा तो योग कितना आया, 109। तो 29 और 80 को जोड़ने पे टोटल कितना हो गया, कितने रुपए बन गए, 109 रुपये। ठीक है, फिर 32 रुपये और 25 पैसे को जोड़ना है, 45 रुपये और 25 पैसे में। तो पहले पैसों की जोड़ कर लेते हैं और उसके बाद में रुपए की जोड़ करेंगे। तो यहाँ हमने लिख दिए पैसे, 5 और 5 कितना होता है, 10। तो 10 का शून्य लिख दिया हमने और 10 का दहाई का एक हमने 2 पे लगा दिया। अब 2 और 2 4 4 और हासिल का एक कितना हो गया, 5। ठीक है, फिर यहाँ हमने लिख दिए रुपए। अब 2 और 5 कितना होता है, 7। तो ये लिख दिया हमने 7। 3 और 4 कितना हो गया, 7। तो ये लिख दिया 7। और तो 32 रुपये और 25 पैसों को जब हमने जोड़ा 45 रुपये और 25 पैसे में तो योग कितना आया, 77 रुपये और 50 पैसे। 25 पैसे और 25 पैसे कितने मिल के कितने हो गए, 50 पैसे, 98 बोलते हैं जिसको। ठीक है, और 32 रुपये और 45 रुपये को जब हमने जोड़ा तो कितने रुपये बन गए, 77 रुपये। ठीक है, तो ये हमारी जोड़ हो गई पूरी। अब हम बाकी के प्रश्नों को हल करेंगे, घटाव के प्रश्नों को। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित को घटाइए। तो घटाना किस में से किसको है, 100 रुपये में से 43 रुपये को हमें घटाना है। तो देखिए यहाँ हम रुपये लिख देंगे सबसे पहले तो। ठीक है, अब 10 शून्य में से 3 घटाना है, शून्य में से 3 घटाओगे तो घटता है, नहीं घटता है तो क्या करेंगे, इस शून्य में से हमें यहाँ उधार लेना। अब शून्य में से उधार कैसे लेंगे, शून्य तो कुछ है भी नहीं, तो हमने यहाँ से एक उधार लेके इसको दिया और यहाँ से इस शून्य से उधार लेके इस शून्य को दिया। तो ये संख्या कितनी बन गई, 10। ठीक है, अब 10 में से 3 घटाया हमने तो कितना बच गया, 7। 10 में से 3 घटाया तो शेष कितना रहा, 7। तो ये 7 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब हमने इसमें से एक उधार दिया था इसको, तो यहाँ कितना, यहाँ से एक उधार लेके इसको 10 बनाया। अब इस 10 में से एक उधार लेके हमने इसको शून्य को 10 बनाया तो यहाँ कितना रह गया, 9। कितना रह गया, 9। अब 9 में से कितना घटाया हमने, 4। 9 में से 4 घटाया तो शेष कितना रह गया, 5। 9 में से 4 घटाया तो शेष रह गया 5। अब यहाँ इस एक को हमने इस शून्य को उधार दे दिया था तो इस एक में से एक घटा दिया तो क्या रहेगी संख्या, शून्य। ठीक है, तो शून्य में से, शून्य के नीचे कोई संख्या नहीं है तो हमने यहाँ लिख दिया शून्य। तो देखिए बच्चों, 100 में से हमने 43 घटाया तो शेष कितना रहा, 57 रुपये। कितना शेष रहा, 57 रुपये। देखिए अब इस हमारी बाकी सही है या गलत है देख लेते हैं। 3 और 7 कितना होता है, 10 होता है, 10 का शून्य और हासिल लगा दी हमने एक यहाँ पे।
ठीक है। अब 5 और 4 9, 9 रासिल का 1 10, और 10 का 10 लिख दिया हमने, तो 43 और 57 को जब हमने जोड़ा तो योग कितना आया, 100 आया। तो इसका मतलब हमने 100 में से 43 घटाए तो हमारे पास शेष कितने रह गए, 57 रुपये। ठीक है, तो हमारी बाकी सही है। इसी तरह से आगे है रुपये पैसे की जोड़। ठीक है, रुपये पैसे की जोड़ है तो हम पहले तो यहाँ लिख देंगे पैसे। ठीक है, अब 50 पैसे में से हमें कितने घटाने हैं, 25 पैसे घटाने हैं। तो शून्य में से 5 नहीं घटता है तो यहाँ 10 ले लेंगे। 5 में से एक उधार लेके इसको हमने कितना बना दिया, 10 बना दिया। अब 10 में से हमने 5 घटाया तो संख्या क्या रह गई, 5 रह गया शेष। ठीक है, अब इस 5 में से एक उधार दे दिया था तो 5 में से एक कम हो गया, है ना, तो 4 बच गया। अब 4 में से 2 गया तो कितना शेष रहा, 2। अब यहाँ हम लिखेंगे रुपये। ठीक है, रुपये लिख दिया। अब पैसों की जोड़ बाकी कर ली हमने, पैसों की बाकी कर ली, घटा दिया। अब रुपये को घटाते हैं, 97 रुपये में से हमें कितना घटाना है, 32 रुपये को घटाना है। तो 7 में से 2 घटता है, है ना, तो शेष कितना रह जाएगा, 7 में से 2 घटाने पे 5 शेष रह गया। अब 9 में से हम 3 घटाएंगे, 9 में से 3 घटाने पे कितना शेष रह जाएगा, 6। तो 97 रुपये 50 पैसे में से हमने 32 रुपये 25 पैसे को जब घटाया तो शेष कितना रहा, 65 रुपये और 25 पैसे शेष रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने रुपये पैसे की जोड़ के प्रश्नों को भी हल कर लिया और बाकी के प्रश्नों को भी, घटाव के प्रश्नों को भी हमने हल कर लिया। आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। जय श्री कृष्णा।